प्रिय के बाद आपका स्वागत है। छोटी काशी मंडी में दर्जनों से मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर पूरा साल धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। शायद यही कारण रहा कि प्रदेश सरकार ने मंडी में शिवधाम स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिस पर काम शुरू भी हो चुका है। छोटी काशी मंडी में दर्जनों शिव मंदिर हैं। इनमें कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर पूरा साल धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। शायद यही कारण रहा है कि प्रदेश सरकार ने मंडी में शिवधाम स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। शिवों की इस नगरी में ब्यास घाट पर स्थित एकादश रुद्र महादेव मंदिर में धार्मिक आयोजनों की क्रम सबसे अधिक है। लगभग पूरा साल यहां पर ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। मंगलवार से श्रवण महीना शुरू होते ही यहाँ पर ओम नमः शिवाय का अखंड पाठ भी शुरू हो गया है, जो पूरा महीना चलेगा। इस मंत्र को लेकर विज्ञान भी मानता है कि इसके लगातार उच्चारण या जाप से शरीर के कई रोग खत्म हो जाते हैं। एकादश रुद्र मंदिर के महंत पुजारी स्वामी सत सुंदरम पिछले 47 सालों से लगातार इस मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 47 साल पहले जब वे इस मंदिर में आए थे, तब ये परिसर बेहद दयनीय हालत में था। 7 साल बाद उन्होंने यहाँ पर श्रवण महीने में अखंड पाठ की शुरुआत करवाई, जो न केवल आज दिन तक जारी है बल्कि इसमें और कई नए आयाम जोड़े गए हैं। स्वामी सत सुंदरम ने अखंड जाप व इससे जुड़े कार्यक्रमों के 40 साल होने पर एक विशेष भेंट में बताया कि पूरा एक महीना ये अखंड जाप चलेगा, जिसमें एक व्यक्ति 1 घंटे 23 मई में लगातार जाप करेगा। दिन रात 24 घंटे में 24 लोग अपने अपने 23 मई में रोजाना जाप करेंगे। आपातकाल में ही इनका विकल्प लिया जाता है। उनका दावा है कि अखंड जाप में शामिल होने वाले कई लोग असाध्य रोगों से मुक्ति पाते हैं, नशे की गत में जाकर जीवन खत्म करने की ओर बढ़ रहे लोगों को भी इससे नया जीवन मिलने के कई उदाहरण पिछले 40 सालों में देखने को मिले हैं। स्वामी सत सुंदरम बताते हैं कि साल भर यहाँ धार्मिक आयोजन चलते हैं, जिसमें कई हजार लोग शामिल होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर न्यायिक सेवा में कार्यरत नेतागण, मंत्री, विधायक और सांसद भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। बीते सप्ताह ही यहाँ पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी रामा सुब्रमण्यन भी पहुंचे थे। यही नहीं तीन साल पहले जो यहाँ पर ब्यास नदी किनारे पूर्णमासी को आरती का आयोजन शुरू किया गया था, वह अब हरिद्वार व वाराणसी का प्रारूप लेने लगा है। अब सरकार का भी ध्यान इस ओर आया है और टूटे फूटे घाटों का भी पुनर्निर्माण शुरू हो गया है। 7 जुलाई 1977 को जब ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के डहर पावर हाउस में उत्पादन शुरू हुआ था, तो पंडों में बांध बनाकर ब्यास नदी को मोड़ दिया गया था। उसी साल से बरसात को छोड़कर अन्य ऋतुओं में ब्यास नदी का पानी सूख जाने से घाटी की रौनक भी खत्म हो गई थी। अब सरकार यहां पर बांध लगाकर झील बनाने की सोच रही है, तो 4 दशक बाद ये रौनक बहाल हो सकती है व सरकार का शिवधाम स्थापित करने का सपना भी पूरा हो सकता है। स्वामी ने बताया कि श्रावण महीने में जहाँ अमृतवाणी भजन, सुंदरकांड, सत्यनारायण कथा, ब्यास आरती होगी, वहीं 15 अगस्त को मंदिर में अमरनाथ की गुफा के दर्शन भी करवाए जाएंगे। इस दौरान चंडी पाठ भी होगा। नवरात्रों में रामायण पाठ, महाशिवरात्रि पर 7 दिन तक विशेष आयोजन भी यहां होता है। एकादश रुद्र मंदिर में 11 शिवलिंगों का ये एक समूह है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्त आत्म विभोर हो जाते हैं। कल कल करती ब्यास नदी की धारा की मधुर ध्वनि के बीच परिसर की परिक्रमा में पंचदेव के दर्शन मात्र से ही एक अलग अनुभूति होती है। मंदिर के गर्भ में रुद्राभिषेक व दोनों समय पूजा व आरती का विशेष महत्व है। स्वामी का दावा है कि यदि युवा वर्ग जो आज नशे के गत में जा रहा है, इस जाप से जुड़े और धार्मिक आयोजन में शामिल हो, तो वह न केवल खुद बल्कि अपने दोस्त मित्रों को भी इसके चंगुल से छुड़ाकर एक स्वस्थ व उन्नत जीवन की ओर ले जा सकता है। मंगलवार को शिवमयी हुई छोटी काशी में अब पूरा महीना एक अलग छटा देखने को मिलेगी, जो प्रदेश में शायद ही कहीं देखने को मिलती हो। भगवान गौरी शंकर की अपार कृपा से इस वर्ष भी श्रावण मास महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से एकादश रुद्र मंदिर में मनाया जा रहा है। इस बार 40वां श्रावण मास महोत्सव है। भगवान शंकर कहते हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं।
एक गड़वी जल चला कर भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि भगवान शंकर के दरबार में आके बम बम भी को कर देता है तो भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। उनको आशुतोष कहते हैं, आशुतोष बोले जल्दी जो प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर को श्रावण मास विशेष प्रिय है, इसमें थोड़ा सा भी कोई भगवान शंकर का नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उसमें उसका बहुत कल्याण माना जाता है। तो इसी के दृष्टिगत जो है हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है जप का विशेष कार्यक्रम चलता है पूरा श्रावण मास में। ओम नमः शिवाय का खंड जाप आज प्रारंभ हो गया, जिसका जो है डीसी साहब मंडी आशुतोष गर्ग जी ने अखंड जोत जला करके किया। अब यह जोत जो है पूरा मास चलती रहेगी और जाप ओम नमः शिवाय का 24 लोग एक घंटे की सिटी में करते रहेंगे। और दोपहर को जो है लंगर की व्यवस्था है 11:30 बजे से लेकर के और 1 बजे तक, जिसमें सैकड़ों लोग जो है भगवान शंकर का जो प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी संसार में कर लीजिए दो काज, देने को टुकड़ा भला और लेने को हरिनाम। इसी के अंतर्गत इसी की दृष्टि में जो है ये कार्यक्रम यहाँ चलता है कि देने को टुकड़ा भला, लंगर की व्यवस्था होती है पूरा बिना भंडारा लगा रहता है, और लेने को हरिनाम। हरिनाम में जो है भगवान शंकर का जो है नाम की गंगा यहाँ बहती रहती है, जो अखंड अविरल जो है 1 महीना चलती रहती है। किसी के पास समय न कोई व्यवस्था बन पाती तो जप की बड़ी महिमा इस युग में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की ही महिमा जो है सभी शास्त्रों में गाई गई है।